के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अंदर तो तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आज हम बात करेंगे तत्वों के प्रतीक। जैसा कि आजकल मॉडर्न टाइम में सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि आपने मॉडर्न टाइम में पढ़ा होगा, आपने रूटीन लाइन देखा होगा कि हम हर जगह शॉर्टकट में चलते हैं, तो इसी तरह से तत्वों का पूरा नाम लेना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम तत्वों को छोटा धीरे धीरे प्रतीकों के रूप में काम लेते हैं। सबसे पहले जो 1813 ईस्वी के अंदर बर्जिलियस ने ये जो तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया था, उससे पहले तत्वों के चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जो कि कंफर्टेबल नहीं था। बर्जिलियस ने क्या किया, मोनोहरमोफेटिक सिस्टम शुरुआत में तत्वों, आज तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 121 तत्व हो चुके हैं, 121 तत्वों के अंदर तो लेकिन प्रारंभ में इतने तत्व नहीं थे, शुरुआत में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती गई। तो शुरुआत में जब तत्वों की संख्या कम थी तो उस टाइम मोनो अल्फाबेटिकल सिस्टम काम में लिया जाता, मतलब उस समय तत्वों को केवल एक अक्षर के नाम प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता था। जैसे कार्बन, कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस को पी से प्रदर्शित करते हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन, अक्सर बच्चे फ्लोरीन में गलती करते हैं, तो फ्लोरीन याद रखना, फ्लोरीन को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफएल से प्रदर्शित नहीं करते, तो इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से शुरुआत में जब तत्वों की संख्या कम थी तो हम उनको एक शब्द से ही प्रदर्शित, अक्षर से उनको प्रदर्शित करते थे, परंतु धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती गई और बहुत से तत्वों का जो नाम है वो समान अक्षर से प्रारंभ हो गया, तो फिर उसके सिस्टम को चेंज कर दिया गया। फिर डबल अल्फाबेटिक सिस्टम, जैसे कार्बन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, कैल्शियम, सीजियम, क्रोमियम, तो अब सब इन जो तत्व हैं उनके प्रतीक सेम नाम से, सेम अक्षर से प्रारंभ होने लगे, तो अब इनके लिए तो हम सेम अगर सीसी प्रदर्शित करें तो पता नहीं चलेगा कि हम कौन से तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमने डबल अल्फाबेटिकल सिस्टम को स्टार्ट किया। जैसे कार्बन का तो सी था ही, तो शुरुआत में हम ले चुके हैं, अब क्लोरीन के लिए सीएल, सी को रहे, कोबाल्ट का सी और ओ, कैल्शियम का सी ए, सीरियम का सी ई, क्रोमियम का सी आर, और कॉपर। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये समस्या आती है कि जो सर बाकी सबके तो सिंपल हमें समझ में आ गए कि उन्होंने पहला अक्षर उसी में से कोई और अक्षर लिया होगा, लेकिन कॉपर का तो सी ओ बनना चाहिए, फिर सी यू क्यों बनाया। उसका भी कारण था कि कुछ तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह लिए थे उनके इंग्लिश नाम से लिए गए थे, परंतु कुछ के नाम उनके ग्रीक शब्द से भी लिए थे। जैसे कॉपर को ग्रीक में कूपर कहते हैं और कूपर से उन्होंने सी यू लिया, और गोल्ड, गोल्ड का वैसे तो जी से स्टार्ट होना चाहिए बट इसको ग्रीक में ओरम कहते हैं और ओरम से इसका सिंबल आया एयू। इसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन का भी टी से स्टार्ट होना चाहिए बट टंगस्टन को ग्रीक वर्ड में वॉल्फोरम कहते हैं तो इसलिए इसको डब्ल्यू लिया। इसी तरह से सोडियम, सोडियम का एन ए, सिल्वर, सिल्वर का ए जी, पोटेशियम के, देखो टंगस्टन को वॉल्फोरम से डब्ल्यू आया, सोडियम का नेट्रियम से एन ए आया,
सिल्वर का अर्जेंटम से एजी आया, पोटेशियम का कैलियम से के आया, और एंटीमनी एंटीमनी का सीबीएबियम से एस भी आया। तो ये नाम ज्यादातर तो इंग्लिश से लिए गए, और अगर इंग्लिश में कई बार कंफ्यूजन हुई तो उसकी उनके ग्रीक से भी ले लिए, जैसे गौरव और गोल्ड का यू, टंगस्टन का डब्ल्यू, सोडियम का एन ए, सिल्वर का ए जी, अर्जेंटम से, पोटेशियम कैलियम का के, एंटीमनी का एस। तो ये डबल अल्फाबेटिकल सिस्टम, और ये बहुत लंबे समय तक डबल अल्फाबेटिकल सिस्टम काम में रहा, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या और बढ़ती गई। जब तत्वों की संख्या और बढ़ती गई तो डबल अल्फाबेटिकल सिस्टम से भी काम नहीं चला। तो अब जो लेटेस्ट में 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक है उन तत्वों के नामकरण के लिए अब जो सिस्टम काम में ले रहे हैं वो है ट्राई अल्फाबेटिकल सिस्टम। ट्राई अल्फाबेटिकल सिस्टम अब तीन अक्षरों से मिल, तीन अल्फाबेट से मिलकर जो तत्व का प्रतीक बनाया जाता है, और ये 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक है उनके लिए काम में लिया जाता है। इसको नामकरण के लिए भी विधि हम देख लेते हैं। अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेट ऑक्ट एंड, ये 100 से अधिक तत्वों के लिए ना उनके प्रतीक बनाने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। जैसे अगर हमें मान लो 121 नंबर तत्व का ही नामकरण करना है, तो एक के लिए अन, दो के लिए बाई, और फिर एक के लिए अन, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, ईएम लगाना है। तो इसका नाम हो जाएगा अन बाई अनियम, और इसका अगर प्रतीक की बात करें तो यू बाई और यू, ये इसका प्रतीक चिन्ह बन जाएगा यू बी यू, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होगा तो बाकी अल्फाबेट छोटे होंगे। ये था तत्वों के प्रतीक के बारे में। अब इनकी प्रतिशत मात्रा के, अगर हम पृथ्वी के अंदर इनकी प्रतिशत मात्रा की अबंडेंस की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो 46.67% जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। उसके बाद 27% लगभग की बात करें तो सिलिकन, और लगभग 8% की बात करें तो 8% पाया जाता है एल्युमिनियम। ये हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट को, ऊपर वाली जो सतह है, सतह मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इस हिसाब से ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम हवा की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल में आपको पता ही है कि 78% नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन जो कि द्वि परमाणु अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाया जाता है 21% ऑक्सीजन, ये भी द्वि परमाणु अवस्था में पाई जाती है, और बाकी जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में ये तत्व इतनी प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं, और अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में तत्व इतनी प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। आपसे वो जब क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि वायुमंडल में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, या पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे तत्व कौन सा है। अगर अपने कोर अर्थ कोर की बात करें, जैसे आपको पता होगा पृथ्वी की तीन सतह है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है वहां पर जो सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है, वहां सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है लोहा, क्योंकि वहां धातु जो है वो गलित अवस्था में पाया जाता है। तो आज की जो हमारी इस वीडियो थी, इस वीडियो में और पिछली वीडियो से कनेक्ट करके मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो पाए जाते हैं वो कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, कौन से परमाणु, जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि धातु एक परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु होते हैं, तो इसी प्रकार ये कितने परमाणु अवस्था में वायुमंडल में पाए जाते हैं।